अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ध्यान से देखो। हाँ, ये तो सब सारे अपने लौंडे हैं। भगवान जी क्या पड़े रहते हैं? भारी है। नहीं। काका सामान लेना। धनिया लेना है। इसके यहाँ से लोगे, उसके यहाँ से लोगे? पहले नींबू देना, नींबू। और धनिया भी दे देना बेटा। धान तैयारी कैसे चल रहा है? अबे चल रहा है। अब पढ़ लिख करके अब्दुल कलाम थोड़ी ना बनना, हमारा सारा फोकस प्रतियोगिता पे, अब उसी का तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर जीत गए और भगवान जी अगर चिट्ठी दे दिए तो भर्ती हो जाएंगे रेलवे में, नहीं तो पुलिस में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर नेताजी के साथ बॉडीगार्ड कर लेंगे। अंसारी गैंग में तीन वो तो है, महुआ आजमगढ़ का, यही तो कर रहा है। अंसारी खुद नेशनल लेवल का शूटर है। बड़ा जानकारी इकट्ठा किए तुम, यही करना है तो मुक्केबाजी से अच्छा शूटर बन जाते। मेरठ में सारा गैंग है नेशनल लेवल शूटरों का है। हंसी आ रही है बेसरम, इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में। एक मिनट, कमोहन गुरु तुम्हारा वीडियो देखे। कौन सा वीडियो? वही जिसमें दो लंडों को मार रहे थे भका भक। अरे हम कहाँ थे? अच्छा, तुम्हारी आत्मा थी। धो धो, गलना चाहिए। हम कहाँ थे? तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों की वजह से ना हॉकी, कुश्ती और कबड्डी में भी मेडल नहीं आता बेटा। वैसे कि खेलने के लिए तो कोई खेल ही नहीं रहा, खिलाड़ियों की इज्जत है दो कौड़ी। घर में घुसो पिताश्री मारे रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के नवाबजादे खेलने बैठे हैं। MP3 है उनका ही रोज का। बाहर सरकारी अफसर मारे हुए हैं खिलाड़ियों के। कई बार तो हमको लगता है ना शंकर, इसी गुस्से में कहीं हम न बन जाए उत्तर प्रदेश के पहले माइक टायसन कोच हैं।
ये भारतीय खिलाड़ी की मानसिकता को समझते हैं। वर्जिश से सभी जीत चुराते हैं। 4 किलोमीटर भागने के तो चाय की दुकान पे जाके वापस आ जाएंगे। ले आए कुछ सब? धोना पड़ता है बोरा अनाज का, आलू प्याज का। ओ, इसको अंदर रखो जी कुछ सब। इसी बहाने वर्जिश भी हो जाए। काटो काटो, नहीं तो सब साले ठलुए खटिया तोड़ते रहते हैं। ये आटा लाए हैं, कहाँ रखें? सुनैना इसे बताना कहाँ रखना है आटा। और वो प्याज वगैरह अंदर नहीं आएगा, मीट बनाने का सामान बाहर ही रखिए जहाँ मीट बन रहा है। यहाँ रख दें। आटा रख दिए अंदर, आटा अंदर रख दिए। रख दिए हैं तो ढिंढोरा काहे पीट रहे हैं? मीट का एको प्लेट अंदर नहीं आना चाहिए। पंप पर लाइफ बॉय रखवा दिया है, वहीं खाइए वहीं धोइए। जी क्या मोहन? अरे चलिए रहा तुम लोग का क्या करे? अबे साबुन से धो रहे होगा तुम लोग? अरे वो हाथ धोने के लिए है भाई। अबे इतना? अब भगवान जी पूरा बकरवे मंगवाए का? 10-12 किलो होगा। 2 किलो तो अकेले भगवान जी का खुराक है। मुझे एक बात बताओ कि भगवान जी को कोई बेटी है क्या? अरे उनका कोई संतान नहीं है। लेकिन सर भिवानी मॉडल कम समय में 6 ओलंपियन पैदा कर चुका है। भिवानी मॉडल कौन मालिक है बे? कुबा मॉडल की नकल है। तुम चाहते हो हम नकल की नकल करें? घबरा गए क्या? क्या करते थे पत्रकार बनने से पहले? सर हम भी खेलते थे शटल कॉक। अच्छा साला पीठ तोड़ने को कहे थे, रीढ़ का हड्डी नहीं। हाथ फिसल गया कुछ सब? हमारा हाथ फिसला ना तो संभाल नहीं पाओगे। जाओ तेल लेके आओ, कोने में पड़ा है। साला इतना साल हो गया मालिश भी नहीं करना है, आए हैं पड़का भुक्का बाजी करने। जाटों के साथ छोड़ दो इनको, 3 राउंड नहीं टिक पाएंगे सर। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहे हो बे, तेल लेके आओ। वो लोग नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। एक बार आप खड़ा तो करिए। फिर से बोलो। आप बोले ना जाटों के सामने खड़ा कर दे तो वो लोग नहीं टिक पाएंगे 3 राउंड हमारे सामने रिंग में। एक बार हमको खड़ा करिए। बहस मत करो, तेल लेके आओ। को सब बुरा मत मानिए लेकिन हमें मुक्काबाजी करने आते हैं, आपका तेल मालिश करने नहीं आते। आप नौकरों के जैसे सबसे काम करवाते हैं। कोई लहसुन छिल रहा है, कोई टमाटर कूच रहा है, वो लोग मीट धो रहे हैं, कोई गेहूं पिसवाता है तो हम खुदे पिसवाए। ऐसे थोड़ी हवा में पैदा हो जाएगा माइक टैसन को सब। हम पहला थक्का नहीं मारे, हम पहला मुक्का नहीं जड़े, हम पहली गाली दी है ना उठो तो लगा फिर बात कथा। हमारा झगड़ा जज्बात कथा, हम तो ही इज्जत बेटा। तुम सब लोग हमारे दोस्त हो क्या? वो बे जिसको खाना है वो आगे आए। क्या कर रहे हो बे? बोलो बे, हुआ क्या? लड़ रहे हो? क्या लड़ रहे हो? अरे रुको, भगवान जी से जाके पूछो तुम। ज़्यादा गर्म कुमड़ का
बदन मच गई त्राही त्राही फिर क्या होता फिर दो हो गई फिर क्या होता फिर दो हो गई फिर क्या होता फिर दो हो गई के चिता लगा लो अपना मुक्काबाजी के सपने का जब तक भगवान दास मिश्रा जिंदा है तुमको तो बेटा कहीं से खेलने नहीं देगा जाओ जाके किसी और लाइन में खड़े हो छोटा साला फोन लाओ हमारा सुनो जरा तौलिया देना देख क्या रही हो तौलिया मांग रहे हैं बहरी हो क्या अरे तौलिया मांग रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको क्या लगता है तुम्हारी बदतमीजी दिखाई नहीं देती हमको उस पे हाथ क्यों उठाए किया गया इसने तौलिया मांगा था सुना हमने सबने सुना इसीलिए तो लेके आई है ये भी यही कहने की कोशिश कर रही थी क्या गुर कह रही हो आंखें फोड़ देंगे तुम्हारी बाहर जा सुने ना जाओ यहां से बड़ों की इज्जत भी नहीं करनी आती इस मनहूस को यहां लेके मत आया कीजिए किसी दिन आपा खो बैठे अपना तो गला काट के बहा आएंगे इलाहाबाद में बेटा जहां कुछ कर ही नहीं सकते वहां आंख नीची और हाथ जोड़ के रहने में ही भलाई है
क्या है? कुछ नहीं, कागज मिलेगा। सुनैना, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम सोच रही होगी यह चिट्ठी कौन लिख रहा है। हम वो हैं जिसकी कुटाई उस दिन हुई जब पहली बार तुम्हें भगवान जी के घर में देखे। तब से अभी तक शांति नहीं मिली, रोज ही कुछ न कुछ महाभारत हो रही है। हम अपना नाम तुम्हें फेस टू फेस मिल के बताएंगे, यदि अभी तक नहीं मालूम है तो। तुम अभी हमारी नज़र और दिल में फिक्स हो गई हो, तुम्हारी नज़र और दिल का तुम्हारे ऊपर है, भरपूर प्रेम सहित सिर्फ तुम्हारा। अरे भाई, एक कागज और मिलेगा, एक। दस्तखत तो दस्तखत कहाँ करना है? अरे रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है। मुश्किल है अपना मेल पिए, ये प्यार नहीं है। देखने तो हम आए थे ना। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नहीं मजबूती लगती हो, मैं इस कूटर लमरेटा हूँ। इस कूटर लमरेटा धक्के देख रही है बे, शर्म आ रहा हड्डी पसली तोड़ प्रिय भिजवा देंगे वो रेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। हमारे जो पंडित जी हमसे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमारी जिंदगी में दो चीजें मिलना परम निश्चित है, एक प्रगति और दूसरा उन्नति। प्रगति जो है वो मिलेगी 28 की उम्र में, और उन्नति जो है वो प्रगति मिलने के बाद। और हम 28 के हो गए हैं। बाय द वे, आपका नाम क्या है? प्रगति दुबे। तिवारी, गोपाल तिवारी। हमारा नंबर टाइसन नाम से सेव कर लो। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल। तुम दिरस की बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल। मैं कंकड़ वाली दाल। तुम हिरन धातरी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की चाल। मैं हूँ बबूल की चाल। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मार मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है मेल प्रिय। सुनो, हम बोल दिए तुम्हारे पापा को, तुम्हारा बॉक्सर आने वाला है उनसे मंदिर में मिलने, शादी की बात करने के लिए। पर हम तो जानते हैं कुछ होने वाला नहीं। पता है, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। जानती हो ना अपने चाचा को? श्रवण जी, मेरे छोटे भाई को तो तुम जानते हो कितना पसंद करते हैं तुम्हें। काहे सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो? अरे हम कुछ बर्बाद नहीं करना चाहते अंकल, वही जानबूझ के हमारे पीछे पड़े हैं। तुम भी तो माफी नहीं मांगते उनसे। हाँ बाबा, शादी तुम्ही को करनी है, लेकिन तुम पहचानती नहीं अपने चाचा को, मरवा देंगे तुम्हें, तुम्हारे पापा को, और तुम्हारे वो हीरो को, और हमको भी, सबको। अंकल नाम भगवान रख लेने से कोई भगवान तो नहीं हो जाता ना? भगवान तो यहाँ रहते हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, और यहाँ सबको तो पता है उनका गुंडागर्दी। आपको भी पता होगा, आपका ब्लड का रिश्ता है, ज़्यादा पता होगा आपको। और शादी करके खिलाएगा क्या तुमको? हमारी अम्मा जो है ना, बहुत बढ़िया खाना बनाती है,
तो जिंदगी भर बाप की कमाई खिलाओगे। लेकिन हमारे गांव में खेत थे, दादाजी के ही थे, लेकिन कम से कम घर में खाना तो था। उम्र कितनी तुम्हारी? 29। कभी नौकरी की है? अगले महीने प्रतियोगिता है, जीत गए तो रेलवे में नौकरी पक्की है। और नहीं जीते तो? अगर लड़का काम नहीं करेगा, इज्जत कर पाओगे उसकी? छोटे थे तो काम करते थे हम, हाँ हाँ, खाना भी बनाते थे। लड़ता है तुम्हारे लिए, उसके लिए लड़ेगा ही ना, बॉक्सर है। अरे रुको, क्या क्या हो गया भाई? सी कौन देखता है? तर तर वो हीरो रणबीर सिंह। हाँ किसको देखता है? दीपिका पादुकोण को देखता है। हाँ समझ गए, रणबीर सिंह जैसे दीपिका पादुकोण को देखता है, ऐसे ये तुम्हारा बॉक्सर तुमको देखता है, है ना? देखो बेटा, रणबीर सिंह जी रहते हैं वहाँ बम्बई में, दीपिका जी भी बम्बई में, तुम रहते हो यहाँ बरेली में। अब हमको नहीं पता कि प्रकाश पादुकोण जी अपनी बिटिया को कैसे पाले थे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को कुछ वैसे ही पाले हैं। फिल्म लाइन में माधुरी दीक्षित जी 30 पार करके भी शादी कर सकती है, पिताजी नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। अब तुम्हारी खातिर हम अपनी बिटिया की बदनामी तो करवाएंगे नहीं, तो जब नौकरी पा जाओ सुनैना को ले जाओ। 3 दिन है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को। हाँ पता है, कोई मौका चूकना नहीं चाहिए। आँख का कसरत कर रहे हो नहीं तुम? अबे आँख एकदम सही है बे। अच्छा एक बात पूछे? पूछो। ये जो हमारी आगामी भाभी है, हाँ, तुम्हारे वर्तमान के कोच साहब की भतीजी ना होती तो तुम्हारी ये जंग जारी रहती क्या? अच्छा अबे साला बॉक्सिंग में तुम्हारा जुनून है ना, हाँ है। इसके लिए तो तुम कहीं भी दंडवत हो सकते थे, तो जहाँ रफू का काम हो तुम कैची कहाँ चला रहे? अबे प्यार अंधा होता है ना बे। अंधा होता है, बेवकूफ थोड़ा ना होता है। देखो गोपाल, तुम्हारी भाभी हमको पसंद नहीं इसलिए करती है, कहे कि हम उसके चाचा के सामने खड़े हुए, अब हम हिल नहीं सकते बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम पैर पकड़ो। हो गया, सो। का किए? हार दिए? बदलुआ बहुत बढ़िया सिलता है, सिलवा देंगे उसी से, डोंट वरी। जूते का जुगाड़ हो गया गुरु? कहाँ? वो देख रहे हो आलमगिरी गंज वाले गट्टू का लौंडा, उसे शर्त लगाई है। क्या लगा लिए? कि तुम 5 ईटा तोड़ दोगे घास से, न्याय देगा। पगला गया उनका बे, हैं? 3 ईटा ज्यादा हम कभी द्रुबे नहीं किए। तो तुमसे नहीं तो किससे होगा? और लेवल बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हाँ चलो। ब्रुसली कितना ईंट तोड़ता था? ब्रुसली? चीन में ईंट कहाँ होता था बे? अब चीन से थोड़ी था, कहाँ से था? हॉलीवुड से था। चलो मेरे शेर, 5 भी टूटेगा। एक एक करके कभी किए नहीं, 4 रखो। टूट गया, टूट गया। Oh, my God.
सर किसी और की शादी नहीं, अपनी शादी में आपने निमंत्रण पत्र तो दिया था सर, दो दिन का सेवा दे दीजिए। अरे सर नहीं जाऊँगा, हनीमून पर नहीं जाऊँगा जब तक डेमो नहीं देते। अरे बिल्कुल कसम खाता हूँ सर आपकी। सर पता है एमवे का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, सर पे लगा लीजिए बाल भी उगाते हैं। हम 26 के हो गए हैं और हमें ब्याह करके मेहरारू की जिंदगी नहीं काटनी। परसों बड़ा रिश्ता आ रहा है हमारे लिए और फिर गाय की तरफ बांध दिए जाएंगे हम। उसके बाद ता जिंदगी हमारे गोबर का गोइठा बना के हमारे सपने जलाना हाथ सेकने के लिए। यहाँ क्या करना है? लड़के वालों की तरफ से शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। चौरसिया के लौंडे का नौकरी लग गया नोएडा में, तुम्हारे साथ पढ़ता था ना वो। इस देश में ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए, तुम मुक्काबाजी करके चलाओगे। क्या बोलिए प्रवचन? पान खाए हैं, कहीं जम गया है, थूक दो। कहाँ थूके हैं? हमारे मुंह में थूक दो। सपनों पे हग चुके हो, इज्जत पे मूंछ चुके हो, मुंह में थूक दो। लिस्ट लगाने जा रहे हैं, जिन जिन का नाम लिस्ट में है परसों सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, और जो नहीं पहुंचा डिस्क्वालीफाई। ओके सर। सब बात इसमें लिखा है। नाम देख, नाम नाम देख, मेरा देख, मेरा देख। कहाँ है ये? हटो यार, आ सकल मेरा आ गया भाई। बाटिया सर, हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिस्ट में हमारा नाम इस बार भी नहीं है। हमारा बॉडी वेट सही चल रहा है, एकदम फिट चल रहा हूँ। सब बॉक्सर जिसको हम दो दो मिनट में कई बार नॉकआउट किए हैं, सबका नाम है, हमारा नहीं है। तुम्हारा बीपी हाई है? अरे बीपी कैसे हमारा हाई है? कैसे क्या मतलब, अभी देखो ना तुम्हारा बीपी हाई है। हाँ तो ठीक है, हम बर्फ के पानी में नहा के अपना बीपी ठीक कर लेंगे। पिछले साल आप लोग बोले कि हमारा आई साइट खराब है, हम पूरा साल पपीता खाए हैं, शीर्षासन किए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लेके आए हैं। 2015 में आप लोग बोले हैं कट लगा था, फट जाएगा। अरे अगर कट है तो खेलते समय अगर फट गया तो? अरे तुमको खेलने देने के चक्कर में कौन ऑफिसर अपनी नौकरी गवाएगा? बहस कर रहे हो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे सर हमको नहीं खेलने देने के लिए कम से कम कोई इज्जतदार बहाना तो खोजिए ना आप लोग। जाके डॉक्टर से बात करो। हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके आ गए तो? स्पोर्ट्स डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, फेडरेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सब हो गया तो गजेट अफसर का सिग्नेचर होना चाहिए। हम करवा लेंगे, लिख लो। अरे सुनो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान दास जी का मूड होना चाहिए कि तुम्हारा सर्टिफिकेट पढ़ना चाहते हैं।
प्रणाम कुशल। खेलना चाहते हो जी कुसा, गटक जाओ। अमृत है, गटक जाओ। जीवन दान दे देंगे। हम तो चाहते ही हैं कि बेदाग डिटर्जेंट हमारी व्यायामशाला का सबसे मेन स्पॉन्सर हो। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो करवाते हैं हम, उसके कप का नाम बेदाग डिटर्जेंट कप हो। 11 कैटेगरी में कराते हैं हम, और हमारे यहाँ से जो जाता है यूपी प्रेजेंट वही करता है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? ये तो हमारी भतीजी है, ये कहां से आई आपके पास? पाना चाहते हैं। सुना है ना, हमको अल्टीमेटम दे दिया यार। क्या बोली है? उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बेदाग डिटर्जेंट वाला है ना, वही आ रहा है। इस साल गुरु अगर नहीं खेले ना तो सब कंडम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? अरे तुम भगवान जी को नहीं जानते ना, वो आदमी अपने हाथ से कुछ नहीं करता, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाता है उसको कुछ करने भी नहीं देता। देखने में ऐसे लवा पौवा जैसा है, अंदर से बिल्कुल अलग है, घिनौना है एकदम। उसके जैसा क्रूर आदमी हम देखे नहीं है। अपने ही बड़े भाई की जिंदगी अपने घर में झंड करके रख दिया। सुनैना के फादर की? हाँ। क्या बोल रहे? आइए आइए, ये हमारे बड़े भैया गोपाल। भगवान जी के सामने उनकी बोली नहीं निकलती, और वैसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। भगवान जी उसके लिए वही सब रिश्ता लेके आते हैं जिसमें उनका अपना फायदा हो। वो कैसे कैसे करके एक एक रिश्ता टरकाती रहती है। वो जो महसूस करती है किसी से कह नहीं पाती, और हमसे जब मिलती है तो मर कई गाय के जैसे हमारे ऊपर हाथ लग चलता। उसका उसका चिट्ठी अगर हम तुमको पढ़ा देना तो रो दो। 2 साल से सब चिट्ठी उसका इकट्ठा करके रखे हैं। याद है जब हम 3 ईंटा तोड़े थे, उसका एक चिट्ठी आया, हम पढ़े हमारा दिमाग खराब हो गया। 3 ठो ईंटा था रखे, एक का नाम रखे भगवान, एक का दास, एक का मिश्रा, मार दिए चाड़ के टूट गया। लो आ गया बरा, चलो खत्म करो तुम। सुने ना बेटा, वो लोग आ गए। अरे हम समझ रहे हैं कि तुम काहे गुस्सा हो। बेटा पापा भी क्या करें, तुम्हें भी तो सब लड़के इसीलिए मना कर देते हैं ना। अपाहिज कौन कह रहा है तुमको? हमारा रिश्ता मांगने आते ना तो हम भी गाड़ी देख के हाँ कर देते। लड़कियों की लड़का कहाँ फर्क पड़ता है। अब पंडित तुम आग में घी मत डालो, समझे?
कोई मर गया का? जब देखो काला पहन के आ जाते। जो लड़की बदनाम उससे कोई शादी नहीं करता। आओ, तुम्हारी भाभी का नाम खराब करते। अबे सोच लो गुरु, बहुत मारेगी, समझ आ तो बहुत मारेगी। आओ पहले से टूटा है, और ठीक से तोड़ देते हैं, ठीक से तोड़ देते हैं। भागो भाग। दरोगा जी को फोन दीजिए, हम भगवान दास बोल रहे हैं। कौन भगवान दास? भगवान दास बक्सर, जिससे तुम्हारा सामना नहीं हुआ इसलिए भी जिंदा हो। तुम्हारे अंतराशय में प्रविष्ट होकर डमरू वादन करेंगे, फोन दो दरोगा जी को। ये कुछ नहीं किया था, गाड़ी का लाइट हम फोड़े थे। कहे फोड़े थे? कहे कि हम सुनैना से अनाप शनाप प्यार करते हैं, लाइट आधा पहले से ही फूटा था। डॉक्टर साहब, एको बीमार भेजे हैं आपके अस्पताल, इलाज कर दीजिएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आते, भगवान जी से लड़ते हो और उनकी लड़की से प्यार करते हो। लड़की नहीं भतीजी है। भगवान जी को बच्चा नहीं हो सकता, कहे कि उनके बीड़ी में तम्बाकू नहीं है। भगवान जी के मेहमान की गाड़ी तोड़ते हो, पब्लिकली बेइज्जत करते हो भगवान जी को, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। हो नहीं सकता क्या? हाँ, तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो या भगवान जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब ढोंग रचे? हमारा प्यार इतना पवित्र है ना कि अगर हम किसी को दिल से छू दें तो उसका सब बीमारी दूर हो जाए। तुम्हें ये डॉक्टर बनना था, कहे भगवान जी के चक्कर में पड़ गए। जिन दो लौंडों को तुमने पीटा है जेल में, वो सब सालों से नेताओं का काम करते आए। नेताओं का काम करते आए तो उनके हाथ से मार खाए? प्रधान होने का मतलब ये नहीं कि सलमान खान हो जाओ, घमंड कम करो। मुक्केबाजी है, तुम्हारा सब दरवाजा खोलेगी, नया रास्ता बनाएगी। जेल में रहके मुक्केबाजी पे ध्यान दो, इधर उधर भटको मत। सूखी रोटी मुंह से पेट पे मुक्का मार दिए, हमारा बटुआ है, हमारा बटुआ हमसे चोरी, उल्टा हमें उधार दिए। सर पे पत्थर बांध के होंठ मुंह के पानी, ही किरदार को छीने हमारी ही कहानी में। अरे जीते न जीते लड़के रहेंगे, अब न सुनेंगे कह के रहेंगे। गायका गुलगान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, कभी आएंगे सीना दान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। चौबे जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आपसे बात करना है। किस सिलसिले में? हम बॉक्सर हैं। अपॉइंटमेंट लेके आए हो? जी। तो मुद्दे पे आओ ना यार, हमको बॉक्सिंग करना है। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके मिलो। हम उनके एक नंबर के मुक्काबाज हैं, लेकिन दो साल से वो हमारा सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, उनको अब क्लब में भी नहीं घुसने देते। अरे तो कुछ किए होगे तभी ना यार। नहीं चौबे जी, हम कुछ नहीं किए हैं, उनका बस घर का काम करने से मना कर दिया। तो वो अकेले थोड़ी ना सिलेक्शन करते। ऐसा कौन बोल दिया आपको चौबे जी? उनके मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है, और अगर हमारा सिलेक्शन हो भी गया ना तो कल को हमको खेलने ही नहीं दिया जाएगा। कोई उनका बात नहीं टालता है।
दबंग है वो और बाहुबली भी हैं इलाके के। जब मन होता है किसी को बीच चौराहे पे खड़ा करके पिटवा देते हैं भारत माता की जय बोल के। चौबे जी, हम बचपन से सिर्फ मुक्काबाजी किए, हमको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। हमारा उम्र जा रहा है, अगर अब नहीं खेले तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, हमको नौकरी भी नहीं मिलेगी कभी। हम सब इसमें लिख दिए। कहाँ रहते हो? कुदेसिया फाटक। बनारस में कोई रिश्तेदार है? हाँ, मौसी रहती हैं हमारे चोलापुर में। बनारस में सिलेक्शन है कल, मौसी का दस्तखत करो और फॉर्म लेके चले जाओ। बरेली अकेला जिला थोड़े ना उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे हम खेल सकते हैं वहाँ से। बंदूक की नली सामने रखे, बोले नच के दिखा रे, बोले नच के दिखा रे, बोले नच के दिखा रे, काली स्याही मुंह पर बोते, बोले सज के दिखा रे, बोले सज के दिखा। ड्यूटी तो आपके अंदर, आप बाहर बैठे। अरे सब साले भांजने आते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि प्रतियोगिता होती कहाँ है। एक भी खिलाड़ी नहीं, अरे साले सरकारी नौकरी के चक्कर में भांजने आते हैं। इन लोग को तो ना वो रजाई गद्दा का जो रूई है ना वही धुनने में लगा देना चाहिए, उसी के लायक साले बॉक्सर बने। एक चाय देना। साला मजा आ गया बे, क्या मैच चल रहा है। पहली बार ऐसा मुक्काबाज देखा है यूपी वाले। हाँ, समा बांध दिया सारे। अरे चीनी थोड़ा कम रखो ना यार, पता है पब्लिक का मुंह बांध देख रहा था उसको। क्या तुम दे रहे हो, स्पेशल बनाओ ना एकदम ना, बिल्कुल ऐसा खेले थप 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 थप, ऐसा पता नहीं कहाँ से अचानक प्रकट हुआ। हाँ बे, एनर्जी देखो, लेवल देखो उसका, गजब। मैंने कभी देखा भी नहीं उसको अचानक से। बढ़िया खोलाओ कसके। अरे सांप की जीभ से फुंकारो, तुम बोले फूटे मिसरी जैसे। गलत आदमी से भिड़ लियो। अभी सिर्फ दो बात, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, और ये पांच ईटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। हाथ संभाल कर रखो। दूसरी बात, स्टेट लेवल पर ऐसे हाथ भांजने वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे, वहां कड़ा मुकाबला होगा, तैयारी के लिए समय नहीं है। अभी घर जाओ, अधूरा काम जितना भी हो उसे निपटा कर दो दिन में मेरे पास वापस आओ। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है, हाथ तोड़वा लिए, जेल की हवा भी खाया है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं ना किसी को चाय तक पिला सकते, और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठुकवा है। किस काम का है ये? ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है, उसको मुँह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद, और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए नहीं तो बवासीर हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लोंडो के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो। अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है क्या करे? आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग? आप ही से बोल रहे हैं आप में था दिमाग? अम्मा में है लगता है आपको? जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आरे भट्ट हो जाएंगे? चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा, देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए, किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको, या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए, क्या चाहते आप बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था।
अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तोप काम किया है आप आज तक? हम कम से कम एक कप तो ले आ जिससे आपकी लेट ठोक पा रहा है। चलो अंदर जाओ। हाँ मां जा देखो, देखो हाथ में चोट लगा थी। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैसन है हमारा, पैसन। पैसन समझता है आपको? समझेगा पैसन। मांगो तब ना। चलो बाबूजी के पैसा से फैशन करेंगे। अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। बढ़िया है, फैशन है हमारा, फैशन। तुम ना पापा की बातों का ध्यान मत दो, वो गुस्साते रहते हैं। छोड़ो तुम सबको, उनको ना हम खुश कर देंगे। इस बार एग्जाम में इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तुम बस खेलो। तुमको हमारा पापा होना चाहिए था। एक बात बताएं? हाँ? पापा पता है क्यों नाराज है? किसी ने ना तुम्हें देख लिया था वो बटलर प्लाजा में लड़के के साथ चाट खाते हो, और पापा को बता दिया। तुमने ये बात का जिक्र ना घर पे किया ना किसी को बताया। हाँ जैसे उनको बता देते तो बड़ा खुश हो जाते ना। उनको जब पता चलेगा ना कि वो गूंगी है, दूसरे जात की है, तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। भाभी गूंगी है? हाँ बचपन से ही गूंगी है। आदमी के गले में जो बक्सा होता ना गुड्डी, वो लिरिंग्स। हाँ भगवान उसका बक्सा खाली करके भेजे। इसको सुनाई सब देता है लेकिन बक्सा खाली है इसके, बोल नहीं पाती है। लेकिन सुंदर इतनी है ना, देखोगी तो बगरा जाओगी। तो तुम मिलाते काहे नहीं हो? प्रेम खुद ही नहीं मिल पाते हैं। बोलती है कि शादी करो तब मिलो। तुम ना ढंग से प्यार नहीं करते, प्यार दिखाना पड़ता है। हाँ तो उसका आँख तो पहले ही सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा है, बड़ा बड़ा। अरे तो उनका आँख है ना सिनेमा हॉल जैसा। कभी कुछ दिया हो भाभी को? क्या कोई गिफ्ट, फूल गुलदस्ता कुछ भी? पागल हो क्या? हमारे पास पैसा कहाँ रहता है गिफ्ट, फूल गुलदस्ता देने के लिए? तुम ना लदड़े हो। चलो जबरदस्त लग रही हो यार। सुना ना एक सेल्फी ले ले। ऐसा करो ना, करो ना, तो करो ना। पूरा परिवार वैष्णो देवी गया, कोई नहीं आने वाला। हम देखते हैं, हम रुको। सुनो ना, उसके दादी के सपने में वैष्णो देवी आई थी, इसलिए सब लोग वैष्णो देवी। ट्रेन तो सुबह की थी, ट्रेन तो छूट नहीं सकती। अबे गोपाल तुम तो ट्रेन में थे ना बे? अबे तुम अंदर हो क्या? अबे हम भाभी के साथ अंदर हैं घर में। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई ना, तो मुरादाबाद उतर के वापस हो लिए। तो हम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाएं? अबे तुम निकलो तो दरवाजा कौन खोलेगा? तुम रुको, उनको बाहर निकालो। हाँ तो रुको एक मिनट। अरे लिस्ट देखे हम आपका जी। कोई श्रवण सिंह नाम के लौंडे को चूज किया आपने। संजय कुमार नाम है तुम्हारा जी? संजय कुमार क्या? बस संजय कुमार। अरे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, का हो? वही चौथी वाली जात जो आपसे बोली नहीं जाती, हरिजन। वेटर
दूसरे जग में पानी लाइए इनके लिए। श्रवण बहुत अच्छा बॉक्सर है, आप ही के बरेली का है, आपका बड़ा सम्मान करता है। हमारा कितना सम्मान करता है वो हमको पता है, तुम भी कितना सम्मान करते हो ये भी पता है। हम खेलना छोड़ चुके हैं संजय कुमार, मगर हमारे वरिष्ठ भाग अब भी जिंदा भाग है, उसमें सेंध नहीं लगा पाओगे तुम। यदि कुछ कर सकते हो तो सिर्फ चाट सकते हो, खेल की दुनिया में तुम्हारी औकात बस जीभ जितनी है, और जीभ जब चाट न रही हो तो उसे मुंह में ही रहना चाहिए। श्रवण सिंह हमारे बरेली का टीम का सबसे बढ़िया मुक्केबाज है, हमारा कोई लौंडा खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ। उसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेलेगा, ये वादा किया था हमने उससे, तुम ये वादा तोड़ रहे हो। हाँ, उसने हमें बताया था उसने आपको नॉकआउट किया था, आप ही के घर में नहीं किया था, उसने तो यही बताया था कि आप गेहूं पिसवाते थे उससे, प्यास छिलवाते थे। कौन गुरु अपने चेलों से ये सब नहीं कराता? हम नहीं कराते, हमारे खिलाड़ी हैं चेले नहीं, और यही तो अभी तारीफ कर रहे थे कि बरेली का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है वो, तो कहां इतने बढ़िया मुक्काबाज का ये दो साल बर्बाद किए, जवाब दीजिए। डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज होता है ना? यही डिसिप्लिन, गेहूं पिसवाना, घर का काम करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, यही डिसिप्लिन। बेटा जितनी ताकत है बार दोस्त लौटते मिलते हैं बॉक्सिंग रिंग में, अगर एक बात याद रखना, जब बॉक्सर को चोट लगती है ना तो खून कोच का ही बहता है। ये यही है, अब जाएं और कसम खाते हैं इसी साल तुमको ले जाएंगे। हम चले जाएंगे, तुम जाओ। पता है हम तुमको इतना प्यार काहे करते हैं, तुम वो पहले आदमी हो जो हमको वो सब बात कहा जो कोई और नहीं कहा। हम कितना पढ़ना चाहते थे, कॉलेज के बाद कोई पढ़ने नहीं दिया, हम बोल नहीं सकते, उसके लिए सारी जिंदगी हमको सब नकारते आए, और तुम्हारे उस एक वादे पे आज तक टिके हुए हैं। जब तुम कहे थे कि तुम्हारा हर सपना पूरा करने के लिए हम मुक्काबाजी तक छोड़ देंगे, हम तब से इंतजार कर रहे हैं, बस यही साल है हमारे पास, इससे ज्यादा लड़ नहीं पाएंगे, हमको और पढ़ना है, दुनिया देखना है, चाहे तुम्हारे साथ पैदल चल के ही क्यों न देखें, हम बनारस मिलने आएंगे तुम्हें, अपना ख्याल रखना। सुनिए, कल बगल वालों के यहाँ से मीट और बिरयानी आया था, क्या करना है उसका? हाँ, पैक कर दो, ले जाएंगे। फेडरेशन के यहाँ से जो खाना आता है उसे तो चेस के खिलाड़ियों की भी खुराक पूरी ना हो। ये क्या? तुम्हारी सौतन में उसके लिए। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चार घंटे बोल जाओगे। ईश्वर घाट यही है। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका भी बच्चा तुम्हारा फैन है, घर की कन्या पटाने वाला भंडा तू। गंगा जी को चढ़ा दे, तुम लोगों में से कोई स्टेट जीतेगा तब मुझ बॉक्सिंग में ताकत की नहीं स्टैमिना की जरूरत है। 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, फुर्ती और स्टैमिना बॉक्सर के लिए जरूरी है।
चलो हम लोग अब गंगा पार करेंगे, मैं नाव में। गर्दा छुड़ा दिए, तुम तो हार गए। ऐसा जोर का मुक्का मारे हैं, देखा दर्द चार रात तक सोने नहीं देगा इनको। दिमाग से भैंसा हो तुम, भैंसा ही रहो। तुमसे ज्यादा पंच इसने लैंड किया तो पॉइंट के अनुसार वो जीता, तुम नहीं। हाँ, तो क्या हुआ ठाकुर है, मारना जानते हैं तो मार सहना भी जानते हैं। देखिए तो लेकिन नैतिक शिक्षा के चिदियापे में हो गया। मेरे राइट मुक्का आएगा और यार आदमी लेफ्ट निकलो, मुक्के को फिसलने दो, लेफ्ट हुक आएगा उसके नीचे से निकलो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह तुमने अपनी अम्मा को बुनाई करते हुए देखा होगा। और ट्यूब काट काट कर इसे बताइए कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन पैसा तो भेजती है लेकिन उससे इक्विपमेंट आता नहीं। हाँ, जो क्लब के अधिकारी हैं उसके मकान का एक तल्ला बढ़ जाता है, उसकी बीवी का देखिए। तुम्हारे अंदर भी थोड़ी नहीं जाएगी ना, तुम नहीं। हम गलत क्या कर रहे हैं? मुक्का भाजने से मुक्के में ताकत नहीं आती, वो सिनेमा में समय में अच्छा लगता है 2.5 किलो का हार। मुक्के की ताकत 38 किलो, ताकत पैर कमर, उसके बाद कंधे से मुक्का निकाल। बंदर सांप बिल्ली तीन जानवर को अपने दिमाग में घुसे, बंदर की तरह बचो, कोबरा की तरह डसो। Looking for this place called Vatika. Can you show me? यार हमको तुम दोनों लोग समझ नहीं आ रहे। भैया नो अंग्रेजी। I know sign language. Yes, I know. And so you can hear. Can you take me to the place called Vatika? वहाँ क्या देखे, कोई आने वाला है? कोई नहीं, 2 घंटा बिताया ना उसके साथ। बोली थी गोरे को छोड़ के 10 मिनट में आ जाएगी। जाओ निकल यहां से। अरे 1 घंटा पहले आना, देखो तुम्हारा कैसे तेल निकालते हैं। ये देश लौंडियाबाजी के चक्कर में पीछे रह गया। तुम बुली से छोड़ के आ जाओगे, यहाँ के पसर गए, वहां हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ इसके साथ बैठ के दांत चीर रही हो क्या? पता है हमको बुरा है, 2 सेकंड नहीं लगा तुमको फिसलने में। एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज? आ जा।
साहब, कल जो फॉरनर को हम मारे थे यहाँ पे, वो कहाँ रहता पता है? अंग्रेज भाई, अंग्रेज भाई, कुछ नहीं, गलती हो गई भाई। I forgive you. यही हमारा टूर्नामेंट है, मंत्री के साले की शादी है तो अब चड्डी उतारो, देख क्या रहे, चड्डी उतारो। अभी काहे उतरवा दिया, रिंग में उतारने देते हमें, इसका झंडा फहराते हम। 69 बराबर गलत कर रहा। बेदाग डिटर्जेंट द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। बॉक्सिंग के इस रोमांचक मैच में तीन तीन मैच का राउंड होता है और हर राउंड तीन तीन मिनट का होता है और हर राउंड के बाद जो है 45 सेकंड का क्या बात है, कमर कमर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं। हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, पहलवानों और शूटर का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश। सॉरी, माफी मांगना चाहता हूं, मोहम्मद अली केरला से थे। नेताजी कहने में विलंब हो गया था, इसलिए पहला राउंड था उसे निरस्त किया जाता है और बेदाग डिटर्जेंट प्रायोजित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मुक्केबाजी की प्रतियोगिता यहां शुरू हो चुकी है। अंधा भी देखकर बता दे कि इसका वजन कैटेगरी से बाहर है। तुम्हारा लौंडा जीत भी गया तो तुम्हारी जात तो नहीं बदलने वाली। फेडरेशन ने खास करके भेजा है हमें, सब मैच हमें ही शेड्यूल किए हैं, बहुत सारे चक्कर में तोड़ने पड़ेंगे हमें। सर बड़ी कमीनाबंदी की है ना, जितने भी हार्ड बॉक्सर थे वो सभी शर्मन के साथ बिठा दे। हम तो अंदर किए थे पूरा खर्चा, मंत्री जी ने शादी रखवा दी, पूरा इंतजाम फिर से करना पड़ा, अरे हमारी जेब से लगा है पैसा, और आप लोग हिसाब मांग रहे हैं। बॉक्सिंग पे पिक्चर बनती है तो 40 करोड़ कमाती है, टूर्नामेंट रखो तो 40 जन देखने नहीं आते। पूरे जोर से मना रहे हैं हमारे जो नीले ड्रेस में हैं उनके ऊपर, पूरी जोर आजमाइश हो रही है, पूरा पूरा प्रहार उनका, थोड़ा हमारे बरेली के बल पे भी भारी पड़ता नजर आया है लेकिन पड़ नहीं। और आज ऐसा लग रहा है कि अपने बरेली के बल को पूरे जोर से पहना रहे हैं, थोड़ा बचते हुए भी और थोड़ा टक्कर मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। के चक्कर में क्यों पड़े, पॉइंट निकालो। ऐसे मार गिरा सकती हूँ, उसे नहीं हरा पाओ, वैसे थकाओ थकाओ हाँ ठीक है, और बौराओ मत। श्रवण कुमार सिंह ये हमेशा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हो, बीच बीच में वापसी करते हुए हमारे जो बरेली के लाल हैं, लेकिन श्रवण कुमार सिंह बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी, थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे श्रवण, और बहुत सही, बहुत ज्यादा श्रवण कुमार सिंह। हमारे यहाँ ही बैल को देते हैं, बहुत सारी गैया को निपटाना होता है ना, हमें श्रवण का नॉकआउट चाहिए। ऐसा थुरना सले को कि इसके बाद कभी मुक्केबाजी का सोचे भी ना, तब देखना हम तुम्हें कैसे अगला विजेंद्र सिंह बनाते हैं। अब क्या जरूरत थी ये सब दिखाने की, ये सब हम जानते हैं, आपको जगाने के लिए, जताने के लिए भगवान जी बलवीर को दे रहे हैं। भगवान दास ने इसमें इतनी दवा पेल रखी, मुझे नहीं लगता श्रवण जीत पा रहे। हमारा वैसलीन कहाँ गया यार, हमारा वैसलीन ने कोई चुरा लिया? मेरा तो किसी ने दो चड्डी चोरी कर लिया। सारा दवा
से चढ़ेगा उसका तुम फायदा उठा सकते हो। पहला राउंड उसको मारने दो, उसको लगना चाहिए कि तुम्हें हराना आसान है। जब वो जोर लगाएगा और उसकी सांस धोखनी की तरफ खुलने लगी तब उसको नचाना और मारना। पेट फूलेगा पानी से, तू रखो पानी इससे। श्रवण जी, एक तो फोटो छाप दें आपका इस बार में। कुल 5 पंक्ति में व्याख्या देनी पूरी प्रतियोगिता की, 3 तो भगवान जी घेर लेंगे। हमारा बस फोटो छाप दीजिए ना, ससुर जी को हम सबूत दे देंगे। क्या ये तो कबाड़ी क्या में मिल जाता है। लीजिए, दे दीजिए, लीजिए। कैमरा नहीं है आपके पास? हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है। फोटो ये देखिए।
पैदा करने से पहले भी उससे पूछ लेते ना, तो आज हम ये सब नहीं सुना रहे होते। सब कुछ तो उसी की मर्जी का चलता है। खाते उसी की मर्जी से, पीते उसी की मर्जी से, सोते उसी की मर्जी से। अरे एक बार क्या हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते? अच्छा बताइए, कितने बच्चे हैं हमारे? एक ही तो बेटी है, और आपके पास भी ना एक ही मौका है ये साबित करने का कि आप ही उसके बाप हो। छावर तो करो। हर मौके पे करना मालिश का बहाना। लड़की की मर्जी थी, हम क्या करते? लड़की आपकी है या किसी और की? लड़की की मर्जी कैसे हो सकती है? आज तक हमारे खानदान में किसी औरत की मर्जी चली है। तुम्हारी बात और है। अगर ये शादी हुई ना भाई साहब, जान से मार दोगे हमें। समझ क्यों नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं? हम भगवान दास मिश्रा हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण की बेटी किसी राजपूत के घर जा रही है, वो भी ऐसा राजपूत जिसकी शुद्धि का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। आजकल बहुत छोटी जात के लोग अपने नाम के आगे सिंह लगा के अपने आप को राजपूत बुला लेते हैं। तुम भी तो लाए थे बेदाग डिटर्जेंट वाले को, अग्रवाल था वो। पता है कितना धनवान है वो? अगर धनवान होने से आदमी ब्राह्मण हो जाता है तो हम तो बहुत गरीब हैं। फिर तो ये शादी बिल्कुल ठीक हो रही है। कोई नहीं जाएगा शादी में, आप सब अंदर जाइए। साल में कोई नहीं काट पाया, वो आज आपने काट दी। और ये हम भूलेंगे नहीं, तुम मर गए हो हमारे लिए। अरे भाई, कन्या के पिता कहाँ हैं? और आपके मुंह में क्या है, दिखाइए। अरे लीजिए पंडित जी, कन्या के पिताजी भी आ गए, मिश्रा जी आ गए। आइए, नमस्ते अंकल, बैठे इधर से। ए जगह दो, बैठे। अरे उठा नहीं, वो आज काम का पहला दिन है। सोने दो ना पापा,
भाभी आप रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। घर में इंटरनेट चाहिए। हम लोग तो मोबाइल पे बगल वालों का इंटरनेट यूज कर लेते हैं। इंटरनेट है बजरंगी भाईजान और पासवर्ड है दबंग सुल्तान। उनको पता नहीं पति काम पे जाते समय पत्नी को क्या बोलता है। बैठो। बैग आगे करो। बाहर निकलती हो ना तो थोड़ा ये डाल लिया करो। आप लोग काम क्या करते हैं? यही जो कर रहे हैं। लेकिन ये तो मजदूरी है ना। आप किस लिए आए? अभी तक तो पता नहीं, आते ही बोले साहब कि यहाँ सामान हटवाओ। हटवाओ बोला तो खुद क्यों कर रहे हो? पता नहीं था। ये सारा यार्ड है, जब इंजन वंजन खराब हो जाती है तो सुधार निकले यहाँ लाए। पुर्जा खराब हो जाए तो बस यूं ही फेंक देते हैं, ढूंढने पे मिलता ही नहीं। ये सब तुमको सुलझाना है जी। साफ सफाई करिए, पेंट वेंट करिए, मरम्मत कराइए, ऑर्गेनाइज कराइए। सर रोज शाम को हमको प्रैक्टिस पे जाना है। जी क्या कर लेंगे प्रैक्टिस करके? इंटरनेशनल पे जाके तो देश का मुंह काला कराएंगे, उससे अच्छा तो यहाँ हाथ काला कराएंगे, तनख्वाह मिलेगी। जोर से मार, ताकत लगा। मैच का जीत गया, लाट साहब बन गए क्या? अरे काम से आ रहा ना, कहाँ से खोजे आप? बरेली में ऐसा व्यायाम साला हमको पता नहीं था। श्रवण इन्हें पहचानते हो? इनको कौन नहीं जानता को साहब, बरेली के जितना खिलाड़ी बिना खेले मर गए उनकी कब्र पे इन्हीं का तो नाम लिखा है। यही तो है हमारे जीवन की बाधा। बदतमीजी गई नहीं तुम्हारी। सच बोलना बदतमीजी होता है? जीवन से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा। आदमी करना कुछ चाहता है, करना उसको कुछ और पड़ता है। सिस्टम कैसे उसको तोड़ता है। 15 साल से इस गैराज में जिम चला रहा है निशुल्क, बाहर किसी को खबर ही नहीं। इसे देख के अपनी जवानी याद आ जाती। याद है ना जब हम लोग लड़ने के लिए जाते थे और कहते थे कि दुनिया बदल दे, घंटा ना उखाड़ पाए। जानते हम कौन जाते हैं? हमको भी नहीं मानता तो खुद हमारे बाबूजी हमको नहीं बताए और बता के चार दीवारी के बीच खेल दिया हमको। बोले बेटा बहुत पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि तुमको कोटा से नौकरी मिल जाए। साला कोटा नाम से नफरत था। तो हम कहानी पढ़े पेले का, कैसे फुटबॉल खेलकर वो आदमी अपना वजूद बना। हम भी तय कर लिए कि हम खेलेंगे फुटबॉल, लेकिन ये भूमियार का बेटा लोग हमको फुटबॉल खेलने नहीं दिया। एक दिन सबसे भिड़ गए, वो लोग भी हमको बहुत मारा तो हम भी बहुत मारे। हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हमको कमरा में बंद किए और मारे दू पड़ाका। हमारे ही जात के थे हरिजन। हमको बोले बहुत गुस्सा आता है ना तो ये गेहूं का बोरा है इसी को मारा को। तो मारते मारते हम बन गए मुक्केबाज, लेकिन कभी खेल नहीं पाए। उसके बाद जहां से भी गुजरते तो लोग बोलते देखो साला आ गया मुक्काबाज। अभी किसी ने इज्जत से हमको मुक्केबाज नहीं कहा। तो तुमको तय करना है कि तुमको मुक्काबाज बनना है कि मुक्केबाज। कह रही हो? तो आदमी थक जाता है तो सोता है ना। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हम सुबह से काम कर रहे हैं, भारी भारी सामान उठा के यहां से वहां रखे हैं। हमारा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ आज ठीक से। कोच साहब भी बस गोल 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 दौड़ाए हैं, अभी बकबकाने में भी ताकत लग रहा है। तुम हमको वादा किए थे हमारी भाषा से। अरे भाषा तो उसकी होती है ना जो अच्छा है। ट्रैफिक पुलिस वाली भाषा हम कल से सीखेंगे। अरे देखो ये फोन तो तुम्हारा बोलता है, तुमको सुनाई देता है, तुम मिला के हो जाता है ना। अभी जबरदस्ती एक और काम करने के लिए हमको कभी मार रही हो कभी कोच रही हो। देखो सब लोग जग जाएंगे। गलती हो गया हमसे, बस सॉरी। चलो अब सो जाओ।
चलो सो जाओ, क्या कर रही हो ऐसा कान, चलो सो जाओ, ऐसे कान बंद कर लोगी तो कैसे सुनाई देगा, चलो सो जाओ, आ जाओ, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम, तब से बोल रहे सो जाओ सो जाओ, बात ही नहीं समझ में आती तुम्हारे। क्या हो गया? कुछ नहीं, सो जाइए आप, बंद करके कान खड़ी रहो रात भर। तकिया नहीं है। तुमको तकिया कौन बोल रहा है भाई, कौन सा टाइम है पढ़ने का तुम्हारा? हम तुम्हारे टाइम से नहीं चलेंगे। क्या हो गया सुने ना तुमको, हमारा काम का आज पहला दिन था, हमको खुद नहीं मालूम, ऐसा कान बंद करके क्या मिलेगा तुमको। ठीक है करो जिद, तुम गांधी जी के दो बंदर तुम हो जाओ, एक बंदर हम बन जाते हैं, हमको देखना नहीं है, तुम सुनो मत बोलो मत, लो हम आंख बंद कर लेते हैं, तुम कान बंद कर लो। भाई साहब एक महीना का टाइम तो हर कोई देता है, सरकारी नौकरी में है भाई, हाँ तो परमानेंट हो जाएंगे। अरे तनख्वाह तो मिलने दीजिए, हम किसी का रखते वक्ते नहीं है, दो हफ्ता भी नहीं हो रहा है, चिंता मत करिए ठीक है। नौकरी लगी नहीं, लेनदारों की नाक कुत्ता हो जाती है। श्रवण जी, जी आप ऑफिस में पर्सनल काम कर रहे हैं, क्या करें, यहाँ मारने के लिए मक्खी भी तो नहीं है। वो श्रवण, वो यादव जी का चपरासी छुट्टी पर है, तुमको बुला रहे हैं। अरे तो मतलब आज से हम उनके चपरासी हैं। अरे सुनिए सर, वो पिल्ले ही सब बोले कि आपका चपरासी। पहले बाहर जाइए और तमीज से मैं एक कमीन बोल के। मे आई कम इन? यू मे कम इन। मे आई सीट? यू मे नॉट। मस्टर पे चीफ इंजीनियर साहब का साइन करवाइए, चिट्ठी स्पीड पोस्ट में डाल। मस्टर मतलब? अरे राजन जी ये चीफ इंजीनियर कहाँ बैठते हैं? यहाँ तो बहुत चीफ इंजीनियर है। आपको नाम तो नहीं बताया किसी का, बोले कि मस्टर साइन लेके आओ, यहाँ बोले। ये काम तुम्हें कहाँ पकड़ा दिए, ये तो ईस्ट ब्लॉक में बैठते हैं, श्रीनिवासन नाम है इनका। अरे चीफ इंजीनियर श्रीनिवासन कहाँ बैठते हैं? May I come in? अरे भाई श्रीनिवासन जी तो वहाँ है नहीं। साहब उधर बैठे हैं। तुमको वहाँ कहली भेज दिए। आपने पूछा बैठते कहाँ हैं? हम चपरासी नजर आते हैं क्या? चपरासी? भाई चपरासी इंसान नहीं होता क्या? What? साइन चाहिए था आपका सर। बताएं सर, मीटिंग चल रहा है। वेट करो बाहर। अरे कहाँ हो तुम? बाद में घड़ी पहने हो कि नहीं? कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा? ऑफिस के बाहर खड़ा करके रखे, हमारा 10 सेकंड का काम है, अंदर जाते ही अंग्रेजी भुकने लगते हैं। अरे तो अंदर जाके बोलो कि खिलाड़ी हो तुम, जा अंदर। What's your problem, man? खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग। मीटिंग चल रही है, समझ में नहीं आता आप लोगों को? स्पोर्ट्स कोटा से हैं, ट्रेनिंग के लिए जाना है, देर हो रहा है। Hey, you get out, man. दोनों में पैर रखा है, अद्भुत मौत मरेगा। श्रवण नौकरी तुम्हारी ठाक पर है, नेशनल खेल कर मेडल जीतोगे तो नौकरी परमानेंट होगी, इसलिए नौकरी से ज्यादा जरूरी है बॉक्सिंग, प्रैक्टिस के लिए रोज टाइम निकालना जरूरी है तुम्हारे लिए। सॉरी।
सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली है, ना दिन भर खाना खाई है। अरे ना काम में हाथ बटाती है ना गोर दबाती है, सारा दिन बस उस कंप्यूटर में लगी रहती है। तुम चुप रहो ना, हम क्या बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रही हो? अरे जो है वही तो बता रहे हैं। अरे तो बड़ी अफसर बनेगी ना वो, जो ये नहीं कर पाया वो करेगी। हम कल रात की बात कर रहे हैं। और हम रोज की बात कर रहे हैं। क्या रोज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपना ही डंडा खड़ा कर रही हो। तुमने कभी हमारी माँ के घोड़ दबाए हैं? ये अच्छा है, सारा झगड़ा जो है हमारे सिर डाल दिया करो। खिलाड़ी लोगों को तो टीम में पहुंचकर मेडल मिलने के बाद ही शादी करनी चाहिए, और खास तौर पर पहलवानों और मुक्केबाजों की। आधी ताकत तो तुम्हारी वीर के साथ ही निकल जाती होगी। अरे वीर से ही तो वीरता है, खुद सोचो, तुम थोड़ा रुक कर बाद में शादी की होती तो पत्नी भी सुंदर मिलती, ज्यादा दहेज भी मिलता, न्यूज पर आते वो अलग। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी की फोटो के पीछे से दोपहर में निकलती एक लंबी भूरी सी छिपकली। हाँ छिपकली, हाय सर सराती छिपकली। तुम नहीं खा रही हो? ये तो पहले ही खा ली थी, रुकती कहाँ है किसी की? कपटी हाय कमीनी जहर वाली छिपकली। कितना तेजी से बदल रहा है ने? पिल्ले साहब, ये आपको भी पता है और हमें भी कि ये नौकरी हमारी काहे लिए लगी है। अगर हमारी मुक्काबाजी छूटी तो ये नौकरी भी छूट जाएगी। ये स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत खून पसीना चलाना पड़ता है सवेरे शाम। हमें बस थोड़ा सा इज्जत चाहिए, खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको बस इतना फेवर कर दीजिए कि हम जब सवेरे यहाँ आएँ तो हमें दिन भर का काम एक बार में बता दीजिए। काम हमको एक बार पता चल जाएगा तो हम अपना काम खत्म। ले अच्छा भाया, हमें पता है हम शादी के बाद से थोड़े स्वार्थी हो गए हैं। आज अम्मा बोली कि बच्चा कर लो जल्दी से, और हमें एहसास हुआ कि बच्चा का तो हम सोच भी नहीं सकते, काहे कि कितना करना है हमको अभी। तब एहसास हुआ शादी हमको करनी थी लेकिन तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारा खुद का भी अपना सपना है, तुम्हारा नेशनल आने वाला है, नौकरी पक्की होनी है, और हम अपना रोना लेके बैठ गए हैं।
तुम अभी सब छोड़ के बॉक्सिंग पे ध्यान दो। तब तक हम ऐसे ही चिट्ठी लिख के कहेंगे जो कहना है। जब चैंपियन हो जाओ तब हम ढूंढ लेंगे तरीका एक दूसरे से बात करने का। मे आई कम इन? यू मे कम इन। गाड़ी चलानी आती है जी? हमारी गाड़ी पहचानते हो? हाँ। ये चाबी है, ये हमारा एटीएम। हमारे घर चले जाना, हमारी मैसेज को एटीएम दे देना। उनका थोड़ा मार्केटिंग का मूड है आज, मार्केटिंग करा के उन्हें घर छोड़ देना, गाड़ी ले आना, साथ में एटीएम भी ले आना, ठीक है? हेलो, पकड़ो। यादव जी, हम यहाँ आपका पर्सनल ड्यूटी करने नहीं आते हैं। जब तक आपका चपरासी छुट्टी पे है हम उसका काम कर देंगे, कहे से कि वो ऑफिशियल है। लेकिन हम न तो आपके ड्राइवर हैं, न नौकर हैं, न दोस्त हैं, न रिश्तेदार। मे आई लीव नाउ? नाइट ड्यूटी में डाला है, हो गया तुम्हारा। मे आई कम इन? यू मे नॉट। हम नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। काहे? अंधेरे में डर लगता है। नहीं, हमको नेशनल का तैयारी करना है। तो वही करो ना, नौकरी काहे करते हो? आपको सब पता है ना सर, काहे हमको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? तुमको पता है ये छोटा सा नौकरी पाने के लिए आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है? जब हमारी खेलने की उम्र थी तब हम सड़क पे ट्यूब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। आप ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो उसकी सजा हमको काहे दे रहे हैं? तो खेल के कौन सा देश को किसने बदल दिया? तो पढ़ के कौन सा पढ़कर आपने भारत को अमेरिका बना दिया है? चाय की प्याली तो अपनी खुद से उठाई नहीं जाती आपसे। ये टेबल के पीछे चूहे के जैसे दुबक के जलन के बारे बैठे रहते हैं आप। पता है ना कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। अगर एक तो धर दिए ना यही पैंट में हक दीजिएगा, दूठ दे देना प्राण पखेरु हो जाएगा आपका। भला होगा रेलवे का, भला होगा इस देश का। देश बदल के दिखाए हम। ये क्या कर दिया आप? पैंट पे मुद्दी है? खड़े रहिए आप, पैंट उतारिए अपना। उतारेंगे कि देखो, जल्दी करिए। ये हैं हमारे बास जो हमको देख के डर के मारे अपना चड्ढी गीली कर देते हैं। गीला दिख रहा आप लोगों को? नीचे अब अगर हमसे लंठई किए ना यादव जी तो एक वीडियो वायरल कर देंगे। मैं लीव। हाँ को सब, हरियाणा से बॉक्सर आया है धर्मपाल सिंह, पिछले साल कांस लिया है नेशनल, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए, साउथ पा है, अच्छा अनुभव होगा, खेलोगे? हाँ करेंगे। वही सब तमाशा पूरी जिंदगी देखते हैं, जानती नहीं हूँ अपने चाचा को। वहीं बस गए, खेती बाड़ी करेंगे वहीं, और क्या। खुश ना? सही नौकरी, भगवान अगर चाहता है ऐसा तो ऐसे ही सही। हुआ क्या? गोपालदास जी, गाड़ी की चाबी? जी, आपकी गाड़ी की चाबी। कोई सामान तो नहीं गाड़ी में आपका? जी थोड़ा बहुत है। सुनो, आपका सारा सामान एक थैली में पैक कर दो और गाड़ी अंदर लगा दो। हाँ, वो ड्रॉर की चाबी। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे खिलाफ पार्टियां ही हुआ है, इसी भी ने चार्ज डाला है रिश्वत लेने का, पुल की रिपेयरिंग के मामले में। हम समझ गए थे ये सारा काम भगवान दास का है। हम सारा दिन उनको फोन करते रहे, फिर जाके क्लब में बैठ गए जहाँ वो अक्सर अपना अड्डा जमाते हैं। ना हमारा फोन उठाए, ना हमसे मिलने आए। फिर जब हम रात को घर पहुँचे तो देखा वहाँ भीड़ जमा है, मीरा बाहर बैठी और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है बाहर।
भगवान, ये सब क्या कर रहे हो? सुबह मुझे नौकरी से निकलवा दिया, गाड़ी छीन ली और अब इस तरह से बेघर। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना? कल तुम भी जा रही हो नानी के घर? तुम्हारी कसम खाते हैं, हम सब ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। चलिए मम्मी। नहीं, इसके दादाजी की हवेली जाना है। क्यों? भगवान को कुछ बंटवारे की बात करनी है। से नहीं बोल पाती है, आप कहें तो आपका भी कोई अंग भंग कर दे। अब या तो आप वो करेंगी जो हम आपसे कहेंगे, या फिर अपना कोई एक अंग आपको दे चुनना। Thank you.
जबरदस्त मुक्का है तुम्हारा। मिलते हैं नेशनल में, मजा आएगा। हाथ को अच्छे से आइसिंग करा लेना। जी को सर। हमारा फोकस वापस आ रहा है, आज अच्छा खेला था तुम। फोकस का तो पता नहीं, को सब गुस्सा बहुत आता है। उसी को शांत रखना है तुमको। आओ। घर तो बहुत बढ़िया है कोसाब, भाटिया जी के रिश्तेदार का। अरे सुनो, हम आ गए। चावल अभी अभी चढ़ाए हैं, 10-12 मिनट तो लगेगा ही। साथ में किसी को लेकर आए हो तो पहले से बताना चाहिए था ना। आज गलती होगी, आइंदा से नहीं होगी। आया सुनो, दाल थोड़ी गाढ़ी बनाना, खिलाड़ी है। भगवान दास जी की पूरी कोशिश रहेगी कि हम डिस्क्वालीफाइड हो जाए, ऐसा होने नहीं देना। बाहर का कुछ कुछ दिए ना तो खाया मत करो, कुछ भी मिला हो सब। वजन पर ध्यान दो, 69 के अंदर रहो। 69 से कम है, बल्कि थोड़ा बढ़ाना है कुछ सब। अच्छा है तुम्हारी पत्नी गांव गई है, शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा। प्रैक्टिस ज्यादा किया करो। धर्मपाल के अलावा एक और लड़का है, सुरेंदर, पंजाब का है। तुमसे 6 महीना छोटा है, तो यूट्यूब पे उसका 2 वीडियो देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा खेलता है। और जितना हम भगवान दास जी को जानते हैं, पहला मैच तुमको इसी से खिलवा ताकि तुम आउट हो जाओ। कौन है? आ रहे हैं जी। अरे भाई कौन है? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। कहिए, दावत दी है घर में, भाभी से पूछे थे, बताइए आप लोग गोश्त खाते हैं, ज्यादा लेट तो नहीं हो गया? सुनो, पड़ोसी मीट देकर गए हैं, इसको कहते हैं भाग्य, बकरा खुद चल कर आया। सुनी, मटन आया है। ये लाइट कैसे गई? अरे देखिए ना, लाइट कैसे चली गई? हाँ देख रहे हैं। कुमार खोल दरवाजा। सुनिए, बाहर दरवाजा मत खोलिएगा। अरे काहे चिंता कर रही हो, घर में दूधू बॉक्सर है। अरे आ रहे हैं, कौन है? साहब कहाँ है? आईसीयू में, जिंदा है। और खाना कोई और आदमी देके गया था, और बोला भी था कि बकरे का मीट है। बकरे का नहीं, बड़े का भी बोले होते तो कोई जुर्म नहीं होता। गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच पड़ताल चल रही है। और भगवान जी, उन्हें तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा आपको लगता है? ऐसा सबको लगता है। तुम्हारे कोच ने घर में बड़े का मीट बनाया, और इस बात का ऐलान कॉलोनी के मंदिर से किसी ने कर दिया। भीड़ ने हमला कर दिया। समय पे आके भगवान दास मिश्रा ने बाकी के परिवार और तुम्हारी जान बचा ली, ये लगता है सबको। और जो सबको लगता है वही सच होता है। यही बयान तुमको देना है। आदमी का दुश्मन आदमी नहीं है, उसकी अपनी परिस्थिति होती है। जब झुकने से काम चल जाए, वहां लड़ोगे तो हारी मिलेगी। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, बड़े बड़े सूरमा राजा थे,
कैसी मौत मिली उनको? हमको नहीं जानना कौन कैसे मरा था, किसको कैसी मौत मिली थी। हमको बस इतना मालूम है कि हम जीना चाहते हैं। जब मरना होगा मर जाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा आदमी की मौत मरेगी कुत्ते की। ज्यादा रिजिड होने से चीजें टूट जाती हैं। जो चाहते हैं दे दो बेटा। जो चाहते हैं दे दो मतलब? वो हमसे हमारी जिंदगी मांग रहे हैं। सुने ना, कोई मेडल नहीं है जो हमको टूर्नामेंट में मिली थी, वो आत्मा है हमारी। हेलो सुनैना, कहाँ हो तुम? हमारी आवाज सुन रही हो ना? अरे तुम हमको क्या भेजी हो? तलाक का कागज भेजी हो? हमको छोड़ना चाहती हो क्या तुम? या तुमसे ये सब कोई जबरदस्ती करवा रहा है? देखो हम तुमको साफ साफ बता रहे हैं, हम तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और अगर तुमसे ये सब भगवान जी करवा रहा है ना, तो उनको बता दो हम उनसे डर के चुप बैठने वाले नहीं है। हमको तो पता भी नहीं था कि तुम वहां थे। हम तो तुम्हारे लिए कुछ और प्रोग्राम सोच रखे थे। सुनैना कहाँ है? भगवान जो करता है सही करता है। हमने तुम्हें मरने नहीं दिया क्योंकि पहले हम तुम्हें नेशनल में हारते हुए देखना चाहते हैं। कौन हराएगा हमें? खुद ही हारोगे तुम। जो नहीं हारे तो भुगतोगे। दूसरा काम जो तुम करोगे, तुम्हारी अम्मा और बाऊजी के हाथ हम तुम्हारे तलाक का कागज भेजे हैं। तुम हमारी भतीजी को तलाक दे रहे हो काहे कि वो गुंगी है और दूसरा वो बिना दहेज के आई है। हम दस्तखत नहीं करेंगे। तो और भुगतोगे? क्या है कि हम सौदा तो कर नहीं रहे, हम ब्राह्मण हैं, आदेश देते हैं, तुम पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी पत्नी से बात करनी है, यही बात हम उससे जानना चाहते हैं। आप उसे हमारे सामने बिठाइए और हेलो हेलो हेलो। हम डिस्चार्ज हो रहे हैं कोच साहब, हम भाटिया जी के साथ लग के तैयारी करेंगे। आपका कसम खाते हैं कोच साहब, भगवान जी से ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। फिर चाहे सुरेंद्र हो, विजेंद्र या खुद धर्मेंद्र। लेके चौक में तैयार है, हम फोन करेंगे तो आ जाए। लंका में घुस रहे, समझ लो। सीता को खोजना तो लंका में घुसना पड़ेगा, हमारे पास हनुमान जी थोड़ी है। गाड़ी लेके जाओ। किसी को नहीं पता वो लोग कहां रखे हैं सुनैना। गोपालदास और मीरा का भी किसी को कोई ठिकाना नहीं पता। बेटा, हम 13 साल के थे जब भगवान दास हमको ब्याह कर लाए थे। वो जो कह रहे हैं मान लो और कर लो। हमें पता है हम किस आदमी की दुल्हन रहे हैं इतने साल। अरे यार, पापा लाइट चली गई। यहाँ क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, बोले भगत सिंह को फांसी दो तभी मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। वो कब जाएगा? 2 दिन से बिजली पानी बंद है हमारे घर का आपकी कृपा से। बाकी सब क्या आ रहा है? हम कटिया डालते हैं, वो निकाल लेते हैं। उसके लिए बैठा है उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ। तो वो खाने हगने जाता है तो कटिया डाल के थोड़ी देर अपना काम चला लेते। आधी चली कलेज पे हर धक पे टीस। गोपाल, हमारा प्रैक्टिस बैग ले लो, उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स डाल देना। घर में क्या मुर्दा घर, बिन रूह जियूं कैसे, अधूरी अधूरी तू, अधूरा मैं। जो तू नहीं तो कुछ नहीं, तेरे लिए इंसान क्या,
तूफान से जाके मैं फिरूं, चट्टान का चूरा करूं, मैं आग का दरिया तरूं, तेरी चोट मेरा दर्द है, फुटने को है ज्वाला मुखे, जो भी खड़े हैं पीछे मेला वे में पिघलेंगे सभी, अधूरी तू अधूरा मैं। ऐसी कैसी रिपोर्ट लिख लें बिना किसी सबूत के? कल से कोई भी आगे कुछ बोल देगा हमको लिखना पड़ेगा, अपराध तो फ्री मच जाएगा, कानून का फुटबॉल बना के खेलेंगे लोग। आपको अच्छे से पता है हम सच बोल रहे हैं, आपको सब पता है हमारे साथ क्या हुआ है। ब्रह्मा हो तुम, तो तुमको पता है कि हमें पता है कानून का पहला कानून होता है कि हमको कुछ नहीं पता, जो हमको आंख से देखा वही सच। हम चाचा को नंबर दे दिए हैं और ये भी बोल दिए हैं कि इमरजेंसी है, पर जब तक वो फोन ऑन नहीं करेगी कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ है? तो मोहन और शंकर कहाँ नहीं फोन करते, उन लोगों को पता होगा वो लोग कहाँ हैं। अरे शंकर मोहन का भी फोन ट्राई किए भाई, फोन नहीं उठा रहे हैं। हमको लगता है वो दोनों सुनैना के साथ होंगे। डाउटलेस 100%। क्या डाउटलेस? अंग्रेजी का मत बूका करो हमारे साथ, समझे कि नहीं? अरे यार हिंदी नहीं आता तुमको, हमारा दिमाग। तो निसंदेह वो उनके साथ होंगे, बिल्कुल सही पकड़ रहे। हाँ तो ऐसे बोलो ना, निसंदेह उनके साथ होंगे, नहीं बोल सकते तो पहले हम तनाव में हैं, अंग्रेजी उसमें घुसाया मत। अच्छा, हो गया ना सॉरी, माथे पे चोट लगा ना। हाँ तो और कहाँ लगा है, ये माथा है कि घुटना है क्या है? मजाक करो, बकला रहा है, करवा पाओगे कि नहीं? नंबर दे रहे हैं, ट्रेस करवाओ, चाचा को क्या बोले फिर? एक मिनट। नहीं तुम क्या? अरे यार नंबर से पता करवाओ कि कहाँ लोकेशन कहाँ है, सर्विलांस पे डलवाओ, ये बोल रहे हैं यार। श्रवण हमको क्या क्या बोल रहे हो यार, कभी डाउट लेस बोलते कभी ट्रेस बोलते। कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन से में पढ़े हो? कॉन्वेंट में गए थे? कॉन्वेंट में गए थे, हमारे साथ गए थे ना तुम प्राथमिक पाठशाला में? माफी मांग रहे यार। हाँ तो आता नहीं तुमको, तो कर रहा है यार। हाँ तो बात करो ठीक से, उससे बात करो। अरे भूपेंद्र तुम मेरी बात सुनो यार, तुमको नंबर दे रहा हूँ, तुमको संख्या दे रहा है, वो संख्या को ना तुम निगरानी पे डलवाओ। अच्छा दौड़ा दौड़ा कर मारेगा हमको, ज्यादा निगरानी कराएंगे नौकरी चली जाएगी। नौकरी इंपॉर्टेंट भाभी में, भाभी तुम्हारी चाचा की नहीं है। एक ठो कप था वो भी तोड़ दिए, बाकी और कुछ नहीं टूटने वाला, ऐसा नहीं टूटेगा। अबे श्रवण अबे सुनो भाई, अरे कहाँ जा रहा है? खा जाओगे। इनको कहीं देखे हैं? इधर बोल नहीं पाती हैं। है इनको कहीं देखे हैं? है इनको कहीं देखे हैं? ये बोल नहीं पाती हैं। बौरा गया तुम सारा कुछ, ऐसे मिलेगी सुनाना तुमको। हाँ तो क्या करें बताओ, क्या करें? तुम्हें सुझाओ कोई रास्ता, तुम तो हो ना बड़ा पढ़े लिखे अंग्रेजी हगने वाले ज्ञानी बाबा, हगो अपना ज्ञान, वही ट्राई कर लेते हैं। अगर अखबार में आ गई तो संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी पत्नी का फोटो लेकर पूरे बरेली में घूम रहा है। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है उनको, पर अगर हम गाड़ी में नहीं बैठे होते ना
या तो तुमको वो कुचल के चले जाते या तुम जेल में होते। ऐसे गाड़ी के सामने हंगामा करने से तुम्हारी बीवी वापस मिलेगी नहीं तुमको। सांझ का घोर अंधेरा मोहे रात की याद दिलावे रात जो सिर पर आवे लागे लाख बरस कट जावे आस का दर्पण कर जलाया रे लागे मोहे झूठा बहुत दुखा रे बहुत दुखा मन हाथों राजो छोड़ा सांझ का घोर अंधेरा मोहे रात की याद दिलावे सांझ का घोर अंधेरा मोहे रात की तलाक के पेपर पे दस्तखत हो गया है। लड़की को तो आपने देखा ही हुआ है, शक्ल भी वही है, खानदान भी वही है, बाकी जो हुआ उसका मुआवजा हम देंगे। अंगूठी दीजिए। अरे खुद ही डाल लीजिए। चलिए अब आप डालिए, हाथ पकड़िए। चलिए हो गया। मौत, 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 क्या कर रहे हो? मौत, मौत, पगला गए हो क्या? प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस नहीं, आत्महत्या कर रहा हूं। देखो शक्ल, देखो कितने दिन से नहीं सो रहा। नींद नहीं आ रहा, क्या करें? गाजा मार्क्स हो जाए। गाजा क्या, गोली मार लो। तुमको क्या लगता है कि बीच बाजार में तमाशा करने से तुम्हारी पत्नी आ जाएगी? कौन सी करीना कपूर है कि लोग उसका फोटो देख के पहचान जाएगा? या तुम कौन से पड़े तो वो कौन सुनता है तुम्हारा? तुम्हारा नेशनल खेलना बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर को आराम। दिमाग को आराम नहीं, हमारे शरीर को कैसे दे आराम? देना पड़ेगा। कोई जानता है, कोई जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? गुस्सा करोगे तो हार जाओगे, खेल बर्बाद हो जाएगा। अरे गुस्से को अपना हथियार बनाओ, वातावरण नहीं। ये जितना अंदर में गुस्सा है ना, सबको इस मुक्के में डालो और जब रिंग में घुसो तो ऐसा मुक्का मारो, ऐसा मुक्का मारो कि देखने वाला कहे कि मुक्केबाज कहां से आया, इसका क्या नाम है। तब सीना खोल के चौड़ा करके बोलो ना कि मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है और सब लोग सुनेंगे तुम्हारी बात। जब लोग सुनने लगे तब बोलना, इस बॉक्सिंग के ठेकेदार भगवान मिश्रा ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। तुम सुनैना को वापस लाना चाहते हो तो इसके लिए खेलना और जीतना दो जरूरी। सुनैना खाना खा ले बेटा, उठ जा बेटा, खाना खा ले बेटा। चलो खाना खा ले। तुम आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बाहर जाके खड़े रहो, हमारी बेटी है, मरने थोड़ा ना देंगे, खिला देंगे, तुम्हारे रहने से खाएगी नहीं, जाओ खा ले बेटा। जितना इंजेक्शन वाला चीजी था ना, सब में पानी भर दिए। हम है ना, हमारे चाचा को मनमानी नहीं करने देंगे। उठ जा बेटा, खाना नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी? मुंह खोलो, खोल बेटा, खाना खा लो। शरीर में ताकत चाहिए। पता पता लूटा बहुत
दुखारे बहुत दुखा मन हाथ तो राजब छूटा साँझ का घोर अंधेरा मोहे रात की याद दिलावे साँझ का घोर अंधेरा मोहे रात की याद दिलावे से झुक के पंच मार जितना सटे रहोगे ना उतना ही वो पंच कम लैंड कर पाएगा तो सटे रहना मौका ढूंढ के अपरकट मारते रहना बच्चों से कभी ये ना कहना कि वो कुछ नहीं समझते क्योंकि सबसे ज्यादा बॉक्सर्स चिकन गेटकीपर बॉक्स नजर रखने को कहे ना आप निकाल के दे दो हम रख देते हैं खूबसूरत भी हो और ज़हीन भी हो क्या बात है ये बताओ यार जी कैसे फंस ली है देखिए इंडियन मुक्केबाजी का स्टांस बिखर चुका है डिफेंस ध्वस्त है फुटवर्क खत्म है आखिरी राउंड तक आते आते यहाँ का बॉक्सर कम और कुश्ती का पहलवान ज्यादा लगता है युवा मुक्केबाजों का भविष्य चिंता का विषय है कोच खिलाड़ी पूरे सिस्टम को ओवरऑलिंग की जरूरत है फेडरेशन ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है तो हम कर्तव्य का पालन करेंगे दोस्ती कैसे हो गया इनको तो लड़ना है ना आपस में ऐसे कैसे सगाई कर सकते हो अल्लाह के पेपर पर हम साइन ही नहीं किए थे अब तो गुरु झूठ बोल के भी तो सगाई की जा सकती है कोशिश तो की है जिसकी गाड़ी का लाइट तोड़ सके अभी बरेली में दावत दिया था उसने तो वहां पे गट्टूमल का लौंडा पहुंचा दिया अबे गट्टूमल का लौंडा जो पांच ईटा तोड़ के तुम जूता खरीदे थे उसने वहां पे मोबाइल में अपनी आंखों से फोटो देखा है भाभी का सगाई वाला तब फोन किया हमको तुमको बता रहे
तीन राउंड बस खड़े रहो, जिताएंगे तुम्हें। इसको नॉकआउट करना है, नहीं तो भगवान जी पंचों में तुम हार। कहाँ जा रही हैं इस टाइम? अरे इस वक्त कहाँ जाएंगे भाई, मैदान कराने ले जा रहे हैं, बाथरूम में छोड़ेंगे तो गिर जाएगी। और तुम चिंता काहे कर रहे हो, खेते में जा रहे हैं, फसल बढ़िया होगी। और भैया जरा इन लोगों को बोलो पीछा मत करें, थोड़ा इज्जत तो रहने दें। और तुम लोग की तरह नहीं है ना हम, कहीं भी खड़े हुए खोल अर्श हो गए। कहाँ हैं आप लोग? किसी का फोन नहीं लग रहा ना, आपका ना पापा का ना सुने ना। बेटा हम लोग ना फरीदपुर के बिलसंडी गांव में, इसके दादाजी का पुश्तैनी मकान है, चार चार मुक्काबाज़ तैनात हैं, इसके पापा को दोनों टांग तोड़ दिए ना। मम्मी आप चिंता मत करिए, आप सुने ना फोन दीजिए। हेलो सुने ना, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तुम? हम तुमको बोले थे ना सब ठीक कर देंगे, हम आएंगे तुमको लेने। हम यहाँ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, बस सेमीफाइनल फाइनल बाकी है, उस ये खत्म करके हम तुरंत आ रहे हैं तुमको लेने। अरे चार दिन बहुत देर हो जाएगी बेटा। गोपाल, ए गोपाल उठना, गाड़ी का इंतजाम करो, जो करना है अभी करना, आज ही की रात करना, जल्दी करो। अबे पर करना क्या है? तीन लोग देख रहे हैं, तीन लोग बाहर हैं, अंदर कितने होंगे पता नहीं। किया जाएगा? आठ
बेटा पहली बार पुण्य का काम किया हो तुम, लंका लेकर आए हो तुम, अब तुम गट्टू मल के लौंडे नहीं रहे, अब तुम हो गए हनुमान, समझे? राम जी गए सीता जी को लेने, अब जा रहा पीछे से लक्ष्मण, तब तक तुम संभालो अपना ये पुष्प विमान। गाड़ी लेके सीधे अंदर आ जाओ, लंका के पीछे अशोक वाटिका टाइप का बना हुआ एकदम, धीरे धीरे आना समझदारी से समझे। गीता पढ़े हो ना धर्मपाल, दुश्मन से दोस्ती करोगे तो महाभारत कैसे जीतोगे? कई सालों से कोशिश कर रहा हूं इंडिया रिप्रेजेंट करने की, तुम्हें पता है ना ये काम हम ही करा सकते हैं। जी कहा अबे? भगवान जी वो यहाँ है। अबे कौन अपने बच्चे का नाम ये वो रखता है, वो कौन? शरवन आपके भतीजे को लेने आया। कहाँ अबे? वो गांव पहुंच गया, तुम भी पहुंचो। कौन वो? वो मतलब श्रवण, और कौन? सुनैना के पिताजी है ना? तुम कौन हो? गोपाल। हम गोपाल हैं, तुम कौन हो? गोपाल? अरे हम भी गोपाल हैं। सुनैना शादी मिले थे याद नहीं आपको? सबूत मांग रहे थे ना आप? ये है सबूत, वो है सबूत, इनके बाबूजी का पैर तोड़े हैं भगवान जी, और अंदर जाके देख लीजिए भगवान जी की कोठी में, वहां बिखरा पड़ा है सबूत। अब हम जा सकते हैं? क्या खड़े देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इसको और लेके जाइए। किस बिना पे गिरफ्तार कर लें सर? पति है, पत्नी को लेके जा रहा है, खुद अपनी मर्जी से जा रही। क्योंकि हम बोल रहे हैं भगवान दास मिश्रा, गिरफ्तार कीजिए इसको। जान से मारने की धमकी दी है इसने, लेकिन अभी तक मारे नहीं।
तो गिरफ्तार कीजिए। भारत माता की जय। 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 भारत माता की। दादा आप अपना जिद पे आप अड़े हुए हो, कैसे हम परमिशन दे दें? कल को मेरी नौकरी यार चला जाएगा, क्या बात कर रहे हो? उस लड़के की जिंदगी की बात है। अभी तक लेकिन उसका कुछ हुआ है क्या? आप देखिए डॉक्टर आपके साथ हैं, आप पूछ लीजिए, ये परमिशन दे देते हैं रिटर्न हमको। आई कैन परमिट इट। लेकिन हम खेल सकते हैं। वो नहीं खेलने देंगे, तुम्हारी नाई किडनी में इंजरी है। अरे एक किडनी काफी होता है आदमी को जिंदा रखने के लिए, दूसरा तो बस हाथी का दांत है। और जीत तुम वैसे ही चुके हैं, बस लड़ना बाकी है। भगवान जी हो सके तो हमको माफ कर दीजिए, सुनैना जिंदगी है हमारी, उसके लिए लड़ना तो हमारा धर्म है ना। हमको डिस्क्वालीफाई मत करवाइए, हम बिना रिंग में उतरे हारना नहीं चाहते, हमको खेलने दीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके। जी भगवान दास जी आते, तुम बोलो हम बात जाओ। शर्तें हैं उनकी, पहली सुनैना और तुम्हारे बीच में वो आज के बाद कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे और भगवान जी के बीच में जो कुछ भी हुआ, ना तुम कहीं कुछ बोलोगे ना वो कुछ बोलेंगे, जो हुआ भूल जाओ। और दूसरी, इसके बाद बतौर खिलाड़ी तुम मुक्केबाजी से रिटायर हो जाओ।
रेड ब्लू चिकन। ये क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। कभी किसी को पहले मुक्के में नॉकआउट किया धर्मपाल? आज तो इतिहास लिखेगा। जेम ऑन, टाइम, बॉक्स। अरे बहुत हुआ सम्मान।